नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस रात हैवानियत हुई, उसकी अगली सुबह पीड़ित डॉक्टर के माता पिता को आरजी कर मेडिकल कॉलेज से कॉल कर जानकारी दी गई। हालांकि फोन पर ये नहीं बताया गया कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या है। 9 अगस्त की सुबह जब पीड़ित के घर ये कॉल किए गए थे, अब उन कॉल के ऑडियो सामने आ गए हैं। ये कॉल आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ओर से खुद को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बताने वाली एक महिला ने आधे घंटे के भीतर पीड़ित के पेरेंट्स को किए गए 3 कॉल थे, जिसमें से पहला कॉल सुबह 10:30 बजे किया गया। इस फोन कॉल में पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को जल्द से जल्द आने के लिए कह रही है। इतना ही नहीं, घटना के अगले दिन पीड़ित के पेरेंट्स ने मीडिया में दावा भी किया था कि उनकी बेटी के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की गई। अब जो ऑडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो सभी बंगाली में है। यहाँ हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कि ऑडियो में क्या बात की गई है। हालांकि शेष भारत इसकी पुष्टि नहीं करता। ये कॉल पीड़ित के पेरेंट्स और आर्जेकर मेडिकल कॉलेज की महिला कर्मचारी की ही है। पहली कॉल 1:46 की है, जिसमें एक महिला को खुद को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बता रही थी, उनके पेरेंट्स को कॉल कर रही थी। मैं आर्जेकर अस्पताल से बात कर रही हूँ, क्या आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं? क्यों, क्या हुआ, अस्पताल क्यों आना है? आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, क्या आप तुरंत आ सकते हैं? मेरी बेटी को क्या हुआ है? आप जब यहाँ आएंगे तो डॉक्टर साहब को बताएंगे क्या हुआ है। आप परिवार हैं, इसीलिए हमने आपका नंबर ढूंढा और फोन किया। प्लीज आप जल्द से जल्द आ जाइए, आपकी बेटी को एडमिट कराया गया है। क्या उसकी हालत सीरियस है? हाँ, उसकी हालत बहुत सीरियस है, आप जल्दी आ जाइए। जिसके बाद कॉल यही कट हो जाती है। वहीं इसके बाद 5 मिनट बाद दूसरा कॉल पीड़ित के पेरेंट्स को किया गया। ये कॉल लगभग 45 सेकंड का है, जिसमें आरजेकर हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर ने घबराते हुए आवाज में कहा, आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाइए। आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर साहब को बता पाएंगे, आप जल्दी आ जाइए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। क्या कोई डॉक्टर मौजूद है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने जैसे ही डॉक्टर के बारे में पूछा, तो स्टाफ मेंबर ने कॉल कट कर दी, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। दूसरे कॉल के 5 मिनट बाद फिर से पीड़ित के पेरेंट्स को कॉल किया। ये कॉल 28 सेकंड की थी, जिसमें स्टाफ मेंबर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पीड़ित के माता पिता के पैरों के तले जमीन खिसक गई, उनकी दुनिया उजड़ गई। तीसरे कॉल के बाद पीड़ित डॉक्टर के माता पिता के सब्र का बांध टूट गया और उनकी माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगी। तीसरी कॉल में खुद को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बताने वाली महिला ने कहा, आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है या उसकी मौत हो गई है, पुलिस यहाँ आ चुकी है, हम अस्पताल में हैं, सभी के सामने आपको ये कॉल की जा रही है, जल्दी आ जाइए। इन ऑडियो कॉल की श्रेष्ठ भारत पुष्टि नहीं करता, लेकिन इन ऑडियो के वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की ओर शक की सुई घूम गई है। आरजेकर अस्पताल सवालों के घेरे में, क्योंकि जिस तरह से पीड़ित के परिजनों को कॉल कर बार बार अपने बयान बदले गए, उसे लेकर ही अस्पताल प्रशासन को कड़खरे में खड़ा होना पड़ रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या ये सब अस्पताल प्रशासन ने जानबूझकर किया, क्या क्राइम को छिपाने के लिए जानबूझकर सुसाइड की थ्योरी की साजिश रची गई। वहीं आपको बता दें कि 8 अगस्त की रात आरजेकर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद बेहद ही खौफनाक तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया, जिसकी जांच अब सीबीआई के हाथों में है और एक आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं अब जो अस्पताल कर्मचारी और पीड़ित के पेरेंट्स के बीच बातचीत के ऑडियो वायरल हो रहे हैं, सीबीआई के अधिकारियों तक भी पहुंच ही गए होंगे, जिसके बाद देश की जनता को उम्मीद है कि मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा, सच सामने आ पाएगा, झूठ का पर्दाफाश होगा और देश की डॉक्टर बेटियों को न्याय मिलेगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।